नमस्कार, आज हम गोभी की एक नया सब्जी बनाने वाले हैं। गोभी की सब्जी तो लोग कई तरह से बनाते हैं और गोभी की चाहे कोई भी सब्जी हो उसे लोग खाना पसंद भी करते हैं। तो आज हम जो सब्जी बनाने वाले हैं इसे आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं, यह सब्जी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फूल गोभी पानी से साफ करके इसका फूल अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम गोभी को कद्दूकस करेंगे। गोभी को हम अच्छे से कद्दूकस करेंगे जिससे इसमें बड़े बड़े पीस में गोभी न रहें। पूरे गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसी में डालेंगे एक मैश किया हुआ उबला आलू, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसी में हम 3 चम्मच बेसन को डालेंगे। बेसन डालने के बाद अब हम सारे चीज़ों को हाथ से मिला लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गोभी में पहले से पानी होता है और नमक डालने के बाद गोभी अपना पानी छोड़ रहा है, इसलिए हम इसे बिना पानी के मिलाएंगे। अभी ये थोड़े गीले हैं इसलिए 1 चम्मच बेसन और डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे। इसी तरह हम सारे चीज़ों को मिलाकर डो बना लेते हैं। गोभी में हमने सारे चीज़ों को मिलाकर इसका डो बना लिया है। अब हाथ में हम थोड़ा तेल लगाएंगे और इसमें से हम छोटा छोटा लोई लेकर इसका कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते को हम थोड़े छोटे साइज में बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। इसी तरह हम पूरे डो का कोफ्ते बना लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक एक करके पूरे डो का कोफ्ते बना लिया है। अब इसे हम तलेंगे। कोफ्ते तलने के लिए तेल अच्छे से गर्म है। अब एक एक करके हम सभी कोफ्ते को तेल में डाल देते हैं। पूरे कोफ्ते को हमने तेल में डाल दिया है। अब गैस को हम मीडियम में कर देते हैं और इसे चलाते हुए हम सुनहरे रंग में फ्राई कर लेते हैं। हम कोफ्ते को तेज आंच पर फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसे हमें मीडियम आंच पर फ्राई करना है। मीडियम आंच पर फ्राई करने से ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। अब कोफ्ते सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। सब्जी बनाने से पहले हम टमाटर को पीसकर तैयार कर लेते हैं। जार में हम 2 कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं और इसी में हम 2 टुकड़ा अदरक, 4 से 5 कलियां लहसुन और 2 हरी मिर्च को डालेंगे। अब इसे हम पीस लेते हैं। टमाटर को पीसकर हमने उसी बाउल में वापस निकाल लिया है। सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। सरसों के तेल में सब्जी अच्छी बनती है, लेकिन आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता और 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर भूनेंगे। जीरा और तेज़पत्ता को हम हल्का से भून लेते हैं जिससे इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। जीरा तेज़पत्ता हल्के भून गए हैं। यहाँ पर हमने 2 प्याज पीस कर लिया है। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा मोटा ही पीसा है। अब प्याज को इसी में डालकर हल्के सुनहरे रंग में भूनेंगे। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट करके ले सकते हैं। प्याज हल्के सुनहरे रंग में भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और लाल मिर्च को प्याज में मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और इसी में 2 बड़े चम्मच पानी डालकर मिलाएंगे।
अब इसमें हम एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब मसाले को हम बराबर चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, जिससे मसाले पककर सूखे हो जाएं। गोभी की सब्ज़ी में जब मसाले अच्छे से पके रहेंगे तभी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा बनेगा। अगर घर पर आप इस तरह से मसालेदार सब्ज़ी बना रहे हैं तो मसाले को अच्छे से पकाकर भूनें, इससे आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। मसाले पककर हल्के सूखे हो गए हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं। अब मसाले में हम आधा कप हरा मटर डालकर पकाएंगे। ये फ्रोजन मटर नहीं है, इसलिए हम मटर को मसाले में पका रहे हैं। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले पककर तेल न छोड़ दें। आप देख सकते हैं मसाले एकदम सूखे हो गए हैं और मटर पककर हल्के मुलायम हो गए हैं। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए 1.5 कप पानी डालेंगे। पहले 1 कप पानी डालकर मिला लेते हैं। सब्जी का ग्रेवी हम थोड़ा गाढ़ा बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें केवल 1.5 कप पानी डाल रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें और पानी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप पानी और डालेंगे। पूरे 1.5 कप पानी हमने डाल दिया है। अब इसमें हम कोफ्ते डालकर मिलाएंगे। अभी ग्रेवी हल्के पतले हैं, लेकिन सब्जी पकने के बाद कोफ्ते जो हैं ग्रेवी को सोख लेंगे। अब कढ़ाई को ढककर सब्जी को हम 10 मिनट तक पकाएंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है। अब 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर सब्जी को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी में से ग्रेवी और गाढ़ी हो गई है और कोफ्ते फूलकर थोड़े बड़े हो गए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिला लेते हैं। अब ये सब्जी हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस तरह से गोभी की सब्जी बनकर तैयार हैं। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर गोभी की सब्जी लंच डिनर पर बनाकर रोटी पराठे चावल के साथ खा सकते हैं। इस तरह के गोभी की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसमें से हम 1 कोफ्ते काट कर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कोफ्ते कितने मुलायम बने हैं। चम्मच रखते ही ये कितने आसानी से कट गया, यानी कि ये बहुत मुलायम कोफ्ते बने हैं। अगर आपने इस तरह से गोभी की सब्जी कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार ज़रूर बनाएं। यह सब्जी आपको ज़रूर पसंद आएगा।